शिवपुरी कोर्ट रोड लखेरा गली कॉर्नर में कचरा इकट्ठा होने की वजह से गंदगी बदबू के कारण आसपास के दुकानदार परेशान हो रहे हैं। इस कचरे से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे यहां के आसपास के लोग मलेरिया फीवर की चपेट में आ रहे हैं। जहां के आसपास के दुकानदारों ने बताया कि जहां सफाई करने कई कई दिनों तक कोई नहीं आता, जिनके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहां रहने वाले नीरज मोबाइल सेंटर के मालिक ने बताया कि हमने इस कचरे के ढेर की शिकायत नगरपालिका में भी कई बार की, जहां तक के 181 पर भी शिकायत की, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। सोती हुई नगरपालिका की नींद नहीं खुली। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक नगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों की नींद कोर्ट रोड इस लखेरा गली की तरफ खुलती है, कब तक यहां पर आसपास के लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आशा। आपकी यहाँ क्या समस्या है काफी दिनों से? मेरी समस्या ये है कि मैंने नगर पालिका वालों से भी बोला था, उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मैं स्वयं जाती थी, मैं उनसे बोल के आती थी, लेकिन तो भी मेरी कोई सुनवाई नहीं थी। और ये यहाँ पर इतना कूड़ा जमा हुआ है नाले के अंदर, और इसके रहते हुए खूब मच्छर हो रहे हैं, खूब कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, खूब परेशानी हो रही है। कब से गंदगी हो रही है? ये हो गए दो महीने। दो महीने से कोई आया नहीं? कोई नहीं आया। सफाई कर्मी कोई नहीं आता था? इसकी शिकायत वगैरह आपने कहीं करी? करी ना, हमने नगर पालिका से बोला था, और ये सीएम हेल्पलाइन से भी लगाई थी आपने? सीएम हेल्पलाइन हाँ बात करी थी 181। जी। फिर क्या हुआ? और इसका क्या नाम है, इनसे भी दरोगा जी से भी हम कई दफा बोल चुके हैं। क्या आश्वासन दिया इनने आप लोग? बोले कि हम करवा देंगे। फिर कोई नहीं कर रहा? कोई ने कुछ करवा देंगे बोलते हैं, लेकिन करने कोई नहीं आता है ना करवाने कोई आता है। सुनने में आया कि यहाँ कई लोग बीमार पड़ चुके हैं गंदगी से। हाँ बीमार है ना, इनके पापा भी एक्सपायर हुए हैं, जो इसी डेंगू की वजह से एक्सपायर हुए थे। जी। उनको भी 2-3 दफा डेंगू हो चुका था आज से साल भर 2 साल पहले जी, और इसी से ही वो बीमार हुए थे गंदगी की वजह से। गंदगी रहती है इसके अंदर। और मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि इस गली के अंदर जितना भी कचरा रहता है, कूड़ा रहता है, इसके लिए सबकी दुकानों पे एक एक डस्टबिन रखवाया जाए, और दुकानदारों को से बोला जाए कि इसका क्या नाम है, ये गंदगी ना फैलाएं और अपना कूड़ा अपनी दुकानों तक ही सीमित रखें। पन्नियाँ वगैरह हुई, ये सब चीज़ें हुई, ये सब आप बोलिएगा। कितने महीने से परेशान है आप इधर इसके चक्कर में? मैं परेशान तो बहुत टाइम से हूँ, लेकिन अभी ये बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, और मेरा तो रोजगार मेरे दुकान किराए से लगी हुई है उसी का ही है जी। मेरी तो रोजगार भी वही है, इसलिए दुकानदार भी कहते हैं कि दादी हम खाली करके चले जाएंगे यहाँ से अगर इसी तरह गंदगी रही तो। जी। और फिर सबसे बड़ी तो स्वच्छ अभियान का है, स्वच्छ अभियान चल रहा है तो उसके लिए तो फिर इसकी सफाई होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।